एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। अब मेयर जो ऑब्जर्वेशन है इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हम देखकर बताते हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको देख के बताते हैं कि भाई ये अप्रोक्सीमेट इतने यूनिट की होगी, इतने सेंटीमीटर की होगी। तो इसमें कहता है कि डिसएडवांटेज मीन क्या कमी है इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। तो इसमें कमी क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो हम नहीं बता पाते। फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, हमने क्या ले ली, लाइन सेगमेंट ले ली। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, अब इसको हम देख के ही बता रहे हैं वे कितने सेंटीमीटर है। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हमने इसको मेजर किया विद द हेल्प ऑफ रूलर या विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर तो ये 5 सेंटीमीटर नहीं मिली, लेकिन हमने इसको क्या कहा है, अप्रोक्सीमेट कहा है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है या 5 यूनिट है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में यही बताना है कि भाई मेयर जो ऑब्जर्वेशन है उसकी क्या डिसएडवांटेजेस है, उसकी क्या कमी है। तो इससे जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो हम नहीं बता पाते, इसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका इसमें क्या हो जाएंगे, चांसेस ऑफ एरर इज मोर, चांसेस ऑफ एरर इज मोर, कि जो एरर के चांसेस है वो इसमें ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर। कहता है कि डिवाइडर का जो यूज है वो इन कंपैरिजन टू रूलर से बेटर कैसे है, व्हाइल मेजरिंग द लाइन सेगमेंट, कि जब हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं तो रूलर की बजाय डिवाइडर से मेजर करना अच्छा क्यों होता है, बेटर क्यों होता है, ये चीज हमें बतानी है। तो देखो डिवाइडर क्या होता है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टी। अब डिवाइडर की जो शेप होती है लगभग इस तरह से होती है, ये क्या बनाया हमने, डिवाइडर। तो कहता है कि स्केल इस तरह से होता है अपना कुछ, इस तरह हमने कुछ बनाया है इसको, स्केल और रूलर। तो इसमें क्या कहा है कि बेटर कैसे है डिवाइडर से मेजर करना इन कंपैरिजन टू स्केल और रूलर, ये कैसे है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल ये ले ली हमने लाइन सेगमेंट, ये हमने जैसे ले ली ए, इसको नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी 3। तो लाइन सेगमेंट है, अगर हम विद द हेल्प ऑफ रूलर इसको मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम मेजर कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा कितना, ये आ रहा है 16.8 आ रहा है, ये आ रहा है जैसे 16.8 सेंटीमीटर। अब ये कंप्लीट आ गया 16.8, लेकिन जो ये हमारे पास गैप है, ये दो जो गैप है, दो जो लाइन बनी हुई है, इनके बीच में अगर आ जाता है पॉइंट तो हम अप्रोक्सीमेटली या तो उसको पीछे लेते हैं एक, या उसको एक आगे लेते हैं एक लाइन। लेकिन अगर हम डिवाइडर से अगर उसको मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये डिवाइडर लिया, ये इतना ओपन किया, तो इसमें स्केल रख के जितना ओपन किया हुआ है उसकी हेल्प से ये लाइन लगा देंगे, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगी, जिसकी को एग्जांपल दे दिया। तो इससे इसकी कंपैरिजन में इससे क्या है, डिवाइडर की हेल्प से हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट आ जाएगी। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, कि कोई भी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करनी है, उसका नेम क्या है, ए बी। टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच हमने कौन सा पॉइंट लेना है, सी पॉइंट लेना है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी विथ सी एंड
एसी, और इसकी हमने क्या करनी है, लेंथ मेजर करनी है, इज एबी इज इक्वल टू एसी प्लस में सीबी, ये बताना हमें। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, कहता है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ करनी है लाइन सेगमेंट क्या, एबी। तो हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ये ले लिया हमने ए, ये ले लिया बी, ये एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने। कहता है कि सी पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो यहां पर ले लिया हमने जैसे सी पॉइंट ले लिया। अब ये सी पॉइंट ले लिया, अब हम लेट करते हैं कि जो एसी जो है, लेट एसी यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो ले लेते हैं हम 4.5 सेंटीमीटर। कितनी ले लेते हैं, 4.5 सेंटीमीटर। ध्यान रहे हमने एक्चुअल मेजर नहीं किया है, हम इसको अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं, लेट किया हमने कि ए बी एसी जो है वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, और जो बी सी है उसकी लेंथ लेट कर लेते हैं, ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो एसी कितना लेट किया हमने, एसी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर कर लिया हमने लेट, और बी सी लेट कर लिया कितना, 6.5 सेंटीमीटर। तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख लिया हमने ए सी प्लस में बी सी। अब ए सी की लेंथ कितनी लेट की हमने, 4.5, और इसकी लेंथ कितनी हमने, 6.5। तो जब ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, और 6 और 4 10, और 1 कितना होगा, 11.0। इसका मतलब ये कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आ गई, 11 सेंटीमीटर। एसी कितनी थी, 4.5 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर, और एबी आ गई एसी प्लस में बीसी, और एबी की जो टोटल लेंथ थी ये हमने ली है कितनी, टोटल 11 सेंटीमीटर। तो इसमें ये पूछा है कि इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, तो ए सी प्लस बी सी कितना है, 11, और टोटल जो लेंथ मानी थी हमने ए बी की वो भी कितनी थी, 11 सेंटीमीटर। तो इसमें आ जाएगा यस, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ये दोनों क्या हो जाएगी, दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। जितनी लेंथ ए बी की थी उतनी ही ए सी और बी सी को प्लस करने से आई है, ये भी 11 है, इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी 11 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स है, कौन कौन से, ए बी और सी पॉइंट है ऑन ए लाइन, किसी लाइन पर, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है 3 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल टू कितनी है 8 सेंटीमीटर, विच ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू, कहता है कौन सा एक पॉइंट है जो अदर टू के बीच लाई करता है। तो इसके सॉल्यूशन में हम करते हैं, कहता है कि ए बी सी ये लेनी हमने, अब इसमें ए बी कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और ए सी कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एसी कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो जैसे ए से बी तक, ये यहां से यहां तक ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ए से बी तक, ये इसको पॉइंट दे दिया नाम ए और इसको नाम दे दिया बी, ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो बी से सी तक जैसे ये ले लेते हैं, ये बी और ए सी, ये यहां से यहां तक थी 5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक है कितनी 3 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और एसी जो टोटल जो एसी है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। एसी की जो लेंथ है, एसी की जो लेंथ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा वो पॉइंट है जो अदर टू के बीच लाई करता है। तो अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो ए बी सी में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दो के बीच लाई कर रहा है, तो इसमें बिटवीन में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, बी, ए और सी ये दो पॉइंट है, और इनके बीच में कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है जो इनके बीच में लाई कर रहा है ए और सी के बीच में। तो लिखेंगे कि पॉइंट बी लाइज बिटवीन, किस किस के बीच लाई कर रहा है, ए एंड सी, ए और सी के बीच क्या लाई कर रहा है, पॉइंट बी।
लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी। ये वेरीफाई करना हमें कि जो डी है ये किसका मिड पॉइंट है, एजी का क्या है मिड पॉइंट, ये ए पॉइंट है, एजी है, तो ये एजी का मिड पॉइंट है डी, ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब देखो डी यहाँ है, अब यहां से यहां तक देखो इससे भी ये जो डिस्टेंस है ये सब में क्या है, सेम है, तो यहां से यहां तक डी तक ये कितने, 1, 2, 3, तो एडी की जो लेंथ है वो कितनी है, 3 यूनिट है, और यहां से डी से ई, ई से एफ, ये गैप भी सेम है, एफ से जी, यहां से यहां तक भी लेंथ क्या है, सेम है, इसमें भी ये लेंथ भी कितनी है, 3 यूनिट है, और ये लेंथ भी कितनी है, 3 यूनिट है। हम क्या लिख देंगे कि ए डी कितनी है, ये कितनी है, ए ए से डी तक की 1, 2, 3 कितनी है, 3 यूनिट्स है इसकी लेंथ, और यहां से यहां तक ए डी की, डी जी की जो लेंथ है वो भी कितनी है, 3 यूनिट्स है, ए डी भी 3 यूनिट्स है और ए डी जी भी जो है वो कितनी है, 3 यूनिट्स है। तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल कब है, जब डी लाई कर रहा है किसके बीच में, ये इसका जब डी इसका मिड पॉइंट है किसका, ए जी का, तो कह देंगे हैंस डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एजी, कि डी इस तरह से मिड पॉइंट है किसका, एजी का, क्योंकि एडी भी 3 यूनिट है और कितनी है, डीजी भी कितनी है, 3 यूनिट है, ये इक्वल इक्वल है, तो इसका मतलब डी कहां लाई कर रहा है, ये एजी के मिड में लाई कर रहा है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, कि बी जो है वो एसी का क्या है, मिड पॉइंट है, बी किसका मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट है, और सी मिड पॉइंट है किसका, बीडी का मिड पॉइंट है, वेयर ए बी सी एंड डी लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ये सारे किस पे लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, से भाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, और हमें ये बताना है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल क्यों है। तो सबसे पहले बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, ये ए है और ये क्या है, सी है, और ये इसमें क्या ले लिया हमने, बी क्या है कह रहा है, इसका बी जो है वो एसी का क्या है, मिड पॉइंट है, हमने इसके मिड में ये पॉइंट ले लिया है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, इस तरह से। फिर आगे क्या कह रहा है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, कि सी ये जो सी है ये बी डी, इसका मतलब डी पॉइंट को आगे है, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है, ये क्या इसका मिड पॉइंट, बी डी का जो मिड पॉइंट है वो कितना है, बी डी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, सी है। तो देखो सी बी बी क्या है मिड पॉइंट ए सी का, बी इज मिड पॉइंट, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, बी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का है, तो इसका मतलब ये और ये गैप सेम होगा, तो हम क्या लिख दें कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी, इसको लेट कर लेते हैं, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद कहता है कि सी मिड पॉइंट है बी डी का, सी इज मिड पॉइंट, सी मिड पॉइंट है किसका, सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी मिड पॉइंट है किसका, बी डी का, इसका मतलब बी सी और सी डी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसका मतलब है कि भाई बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये इक्वेशन नंबर हमने लेट कर ली 2। अब देखो इसमें ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, मतलब ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, और इसमें बी सी किसके इक्वल है, सी डी के, मतलब इसमें बी सी की वैल्यू ए बी के इक्वल है और इसमें बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो किसमें क्या क्या जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं कि भी ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही हमें क्या करना था, यही बताना कि ए बी और सी डी जो है आपस में इक्वल क्यों है, बी मिड पॉइंट था ए सी का तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है, सी मिड पॉइंट है बी डी का तो बी सी इज इक्वल टू सी डी है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2।
इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या ऑब्जर्व करते हैं हम कि ये एबी बीसी के इक्वल है और बीसी किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है। इसका मतलब एबी किसके इक्वल होगा, सीडी के। और यही हमें बताना था कि एबी और सीडी आपस में इक्वल कैसे है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स। कितनी ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है, 5 ट्राइंगल्स, एंड मेजर देयर साइड्स, और उनकी साइड क्या करनी है, हमें मेजर करनी है। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड। कि हमने ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है और ये देखना है कि उसकी दो साइड का जो सम है वो हमेशा थर्ड से ग्रेटर आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और लेट कर लेते हैं कि उनकी साइड कितनी है। तो हमने एक ट्राइंगल लेट कर ली, जैसे इसको नाम दे दिया हमने ए बी और सी। ये ट्राइंगल बना कर ली हमने, ये ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर, ये ले लिया 3 सेंटीमीटर और ये ले लिया 4 सेंटीमीटर। ये हमने अज्यूम किए, जस्ट इट इज नॉट एन एक्चुअल लेंथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब अगर हम ए बी में बी सी ऐड करें, ए बी प्लस में बी सी अगर हम निकालें तो ए बी कितनी है 4, ए बी कितनी है 4 और बी सी कितनी है 5, ये कितनी हो जाएगी 9। 9 क्या ए सी से ग्रेटर आ रही है, ए सी कितनी है 3 सेंटीमीटर है, एसी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये ग्रेटर आगे किससे, एसी से ग्रेटर आगे, एसी कितनी है 3 सेंटीमीटर। ए बी प्लस में बी सी ऐड कर लिया, बी सी में एसी ऐड कर ले, या हम ऐड कर ले क्या बी सी में एसी ऐड करें। अब बी सी कितनी है 5 और एसी कितनी है 3, तो ये कितनी होगी 8। क्या 8 4 से ग्रेटर आ रही है, तो 8 इज ग्रेटर देन 4। 8 किससे ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर है। हमने क्या किया, ए बी प्लस में बी सी, फिर बी सी प्लस में ए सी, ए सी प्लस ए बी कर लेते हैं हम, ए सी प्लस में ए बी। तो ए सी और ए बी जो है, ए सी कितनी है 3 और ए बी कितनी है 4, 3 और 4 कितना हो गया 7। थर्ड साइड कौन सी बच गई, बी सी, ये किससे ग्रेटर है 5 से ग्रेटर है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि किन्हीं भी अगर दो साइड को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड साइड से वो क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है। 5 क्या थी, 5 सेंटीमीटर क्या थी हमारी, बी सी थी। अब एक दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं हम, जैसे ये ट्राइंगल ले लो हम, ये ले ली हमने 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये ले ली हमने 8 सेंटीमीटर। कोई भी हमने लेट कर ले कि भाई इनकी जो लेंथ है वो इतनी है, तो इसको नाम दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डी ई एफ। तो हम क्या करेंगे इसमें कि डी ई 8 सेंटीमीटर है, ई एफ 7 सेंटीमीटर है, डी एफ कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हम ये करते हैं डी ई प्लस ई एफ, डी ई प्लस में ई एफ, डी ई और ई एफ, डी ई कितनी है 8 और इसी में ई एफ कितनी है 7। तो ये आ जाएगी 8 प्लस में 7 कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर और थर्ड साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो जो 15 सेंटीमीटर है ये थर्ड से क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है, थर्ड साइड डी एफ से क्या आ रही है, ये ग्रेटर आ रही है। इसी तरह ये ई एफ प्लस में क्या करें, डी एफ कर ले, ये करें हम 7 प्लस में डी एफ प्लस में, सॉरी ई एफ प्लस में डी एफ, ये करें डी, ये आ गई 7 और ये आ गई 6, ये कितना आ जाएगा 13। थर्ड साइड कौन सी बच गई अपने पास 8, तो ये किससे ग्रेटर आ रही है हमारी, 8 से ग्रेटर आ रही है, 13 इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर थी और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो इसे ग्रेटर आ रही है। अब क्या कर लेते हैं हम, क्या डी एफ और डी मतलब 6 प्लस में 8, ये कर लेते हैं 6 प्लस में 8, तो ये कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और 14 जो सेंटीमीटर है वो ई एफ जो है इससे ग्रेटर आ रहा है, तो इससे क्या कर देंगे कि ई एफ से ग्रेटर है किससे, 7 सेंटीमीटर से। इस तरह से दूसरी ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, इस तरह से कोई हम और ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नाम दे दें फॉर एग्जाम्पल हमने पी क्यू आर, कोई ट्राइंगल ले ली। अब इसमें क्या आ गया, ये 7 सेंटीमीटर ले लो, ये ले ली हमने, जैसे ये ले ली 6 सेंटीमीटर, ये ले ली हमने 9 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इसको और इसको ऐड करें हम तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसमें ट्राइंगल पी क्यू आर जो है इसमें क्या आ जाएगा, 7 प्लस 9
कितना हो जाएगा 7 और 9 ये कितना हो जाएगा 16, 16 जो है वो ग्रेटर आ रहा है किससे 6 से, ये सारे सेंटीमीटर में है। इसी तरह 9 प्लस 6 ये 9 प्लस में 6 कितने हो जाएंगे 15, 15 ग्रेटर आ रहा है किससे 7 से ग्रेटर आ रहा है। इसी तरह 6 और 7, 6 में अगर 7 ऐड किया तो कितना आ गया 13 और 13 किससे ग्रेटर आ रहा है इसे 9 से ग्रेटर आ रहा है। सारे के सारे जो है क्या है ये किस में है सेंटीमीटर में है। इसी तरह हम और ट्राइंगल्स ले सकते हैं, 3 ट्राइंगल हम ड्रॉ कर चुके, अब नेक्स्ट ले सकते हैं। जैसे हमने ले ली कोई भी ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इसको नेम दे दिया हमने एक्स और ये वाई और ये जेड। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये ले ली हमने 6 सेंटीमीटर, ये ले ली हमने 5.8 सेंटीमीटर और ये ले ली हमने 4.2 सेंटीमीटर। ये हमने क्या लिया अज्यूम किया कि भाई इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये 5.8 ली है, 4.2 और ये कितनी ली है 6 सेंटीमीटर ली है। अब इसमें अगर हम एक्स वाई करें, हम क्या करें कि भाई एक्स वाई प्लस में वाई जेड तो ये कितना जाएगा 5.8 में कितना ऐड करेंगे 6, तो इस 8 ये कितना हो जाएगा 8 और 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर आ गया। किस किस को सम इसको इसको ऐड किया, ये किससे ग्रेटर है 4.2 से है, ये किससे ग्रेटर है 4.2 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। इसी तरह हम क्या ऐड कर ले कि 6 और 4.2, 6 प्लस में 4.2 ये कितना जाएगा 10.2, ये ग्रेटर आ रहा है किससे 5.8 से ग्रेटर आ रहा है, 5.8 सेंटीमीटर से ग्रेटर आ रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट ले सकते हैं, कौन सा ले सकते हैं, ये ले लिया हमने 6 प्लस में 4.2, ये ले सकते हैं 4.2 प्लस में 5.8, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और ये 9 और ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 है तो ये कितना आ गया 4.2, ये 4.2, 5.8, ये कितना है 10, 10 किससे ग्रेटर है 6 से ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है 6 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। एक और ट्राइंगल ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं ट्राइंगल इस तरह का हम, ये 5 है और ये भी, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना ले लिया 5 और ये ले लिया जैसे हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसको नाम दे दिया जैसे एम एन और ओ, तो एम एन और एन ओ का सम जो 5 और 6 है ये कितना आ जाएगा 11, 11 सेंटीमीटर आ गया, ये किससे ग्रेटर है 5 सेंटीमीटर से क्या है ग्रेटर है। इसी तरह 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा 11, 11 भी किससे ग्रेट, इसको इसका सम किया तो ये भी किससे ग्रेटर है 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। इसी तरह हमने ले लिया 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, तो थर्ड साइड कौन सी बच गई 6 सेंटीमीटर, ये किससे ग्रेटर है 6 सेंटीमीटर से। तो इस तरह से जो हमने ये 5 ट्राइंगल्स ली है इसमें अगर हमने किन्हीं दो साइड्स को ऐड किया है तो वो हर कंडीशन में दोनों साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से क्या आया है ग्रेटर आया है। तो इससे हम ये रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि सम ऑफ ऑल सम ऑफ टू साइड्स, टू साइड्स ऑफ आ ट्राइंगल, ऑफ आ ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड से हमेशा क्या आया है ग्रेटर आया है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। ये हमने जो 5 ट्राइंगल्स बनाई थी इनकी हेल्प से ये रिजल्ट आ गया। इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज भी कंप्लीट।